हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने 32 फीट बाई 32 फीट प्लॉट के ऊपर 3 BHK क्रिएट किए और यह प्लान ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्व दिशा में आपका रोड रहेगा। और इस प्लान को मैंने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं इस ड्राइंग को। इस ड्राइंग में आपका एंट्रांस ऐसा होगा। इस डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंच और इस पैसेज का भी चौड़ाई रहेगा 3 फीट 6 इंच। इस डोर से अंदर आते ही दाहिने तरफ आपको ड्राइंग रूम का डोर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 3 इंच और ड्राइंग रूम का साइज़ है 9 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 10 इंच। इस ड्राइंग रूम में मैंने यहाँ पर सीटिंग एरिया दिए जो 5 यूज़र है और यहाँ पर है आपका TV यूनिट और यहाँ पर मैंने एक विंडो दिया जो 5 फीट का रहेगा। अभी इस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 10 फीट बाई 10 फीट। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये विंडो आपका 5 फीट का होगा और ये विंडो आपका 4 फीट का। और इस बेडरूम के साथ मैंने एक अटैच टॉयलेट भी दिए। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 6 फीट 1 इंच बाई 3 फीट 7 इंच। इस टॉयलेट में मैंने यहाँ पर एक वेंटिलेटर दिए जो 2 फीट का रहेगा। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं। इस बेडरूम में आपका बेड दक्षिण दिशा में है और बेडरूम का डोर पूर्व दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। आपका सेकंड बेडरूम का डोर इस बेडरूम के पास ही मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 9 फीट 4 इंच बाई 10 फीट 5 इंच। इस बेडरूम में मैंने एक ही विंडो दिया है जो 4 फीट का रहेगा। और इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर भी पूर्व दिशा में रहेगा। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और बेडरूम का साइज़ है 11 फीट बाई 13 फीट। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो दिए। ये विंडो आपका 5 फीट का होगा और ये विंडो आपका 3 फीट का। और इस बेडरूम के साथ मैंने एक पोर्च भी दिए। इस डोर का साइज़ है 3 फीट और पोर्च का साइज़ है 11 फीट बाई 3 फीट 3 इंच। अभी इस पोर्च से बाहर आते हैं। इस बेडरूम में आपका बेड पूर्व दिशा में है और बेडरूम का डोर दक्षिण दिशा में। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बेडरूम दिए। अगर आप एक और बेडरूम चाहते हैं तो इस ड्राइंग रूम को बेडरूम बना सकते हैं। अगर आप इस ड्राइंग रूम को बेडरूम बनाना चाहते हैं तो बेडरूम का डोर यहाँ पर देंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर आपको जो फ्री स्पेस दिख रहा है इसका साइज़ है 13 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 1 इंच। अब देखेंगे आपका किचन एंड डाइनिंग। आपका किचन यहाँ पर मिलेगा। इस किचन का साइज़ है 6 फीट 1 इंच बाई 7 फीट 8 इंच। इस किचन में आपका ओवन यहाँ पर रहेगा पूर्व दिशा में और बेसिन यहाँ पर। और यह है आपका किचन का वर्किंग एरिया। और इस किचन में मैंने यहाँ पर एक विंडो दिया जो 2.5 फीट का होगा। और इस किचन के सामने ही मैंने डाइनिंग एरिया दिए। इस डाइनिंग एरिया का साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 7 इंच और यह डाइनिंग आपका 6 यूज़र है। यहाँ पर मैंने एक बेसिन दिया जिसे आप इस डाइनिंग एरिया से यूज़ कर सकेंगे। अब देखेंगे आपका कॉमन टॉयलेट। आपका कॉमन टॉयलेट का डोर यहाँ पर मिलेगा। इस डोर का साइज़ है 2.5 फीट और टॉयलेट का साइज़ है 3 फीट 9 इंच बाई 10 फीट 5 इंच। इस टॉयलेट में मैंने एक वेंटिलेटर दिया जो 2 फीट का रहेगा। अभी इस टॉयलेट से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका स्टेयरकेस। आपका स्टेयरकेस का साइज़ है 6 फीट 10 इंच बाई 14 फीट। 14 फीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस स्टेयरकेस में आपका आप यहाँ से होगा और यह है आपका पहला राइजर। और यह पहला राइजर यहाँ से 3 फीट 2 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा, यानी इस लैंडिंग का चौड़ाई रहेगा 3 फीट 2 इंच और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 3 फीट 5 इंच और आपका स्टेयर का चौड़ाई रहेगा 3 फीट। यहाँ पर टोटल आपका 22 राइजर है। हर एक राइजर 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट इस फर्श से लेकर छत के टॉप लेवल तक। अब देखेंगे इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन। यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग के सभी डायमेंशन दे दिए, आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।